नमस्कार, भारतीय पशुपालन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, कृत्रिम गर्भाधान क्या है। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान के बारे में आज मैं आप सबको बताऊँगा कि कृत्रिम गर्भाधान क्या है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम रूप से किया जाने वाला गर्भाधान, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है एक, तो आप इस तरह से कह सकते हैं। और दूसरा इसकी एक परिभाषा होती है जिसको आप उसके माध्यम से भी कृत्रिम गर्भाधान को जान सकते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान आखिर है क्या। तो नर पशु से कृत्रिम रूप से एकत्रित वीर को, नर पशु से कृत्रिम रूप से एकत्रित वीर को, ठीक है, और यंत्रों की सहायता से स्वच्छता व सावधानी पूर्वक मादा जननांगों में पहुंचाने की क्रिया को, या मादा जननांगों में प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, तो इसी से ही पूरा स्पष्ट होता है कि कृत्रिम गर्भाधान आखिर है क्या। ठीक है, नर पशु से कृत्रिम रूप से सीमन को कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं वीर को, और फिर इसको यंत्रों की सहायता से, जो भी यंत्र कृत्रिम यंत्र आते हैं जो, उनकी सहायता से स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए और सावधानी पूर्वक मादा पशु जो है उसके जननांगों में या तो मध्य सर्विक्स में या फिर गर्भाशय में सीमन को छोड़ देते हैं या डाल देते हैं, उसको कहा जाता है कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो हो गया अपना कृत्रिम गर्भाधान, और इससे क्या लाभ हैं, क्यों हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, क्यों आवश्यक है कृत्रिम गर्भाधान करना, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लाभ अपन जान लेंगे कि क्या क्या ऐसे लाभ हैं, तो पता चल जाएगा कि इससे हमको जो लाभ हो रहे हैं वो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही हमारे लिए लाभदायक हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि कृत्रिम गर्भाधान करना कितना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानते हैं कि आजकल जो के लाभ के बारे में, कि आजकल जो गाय हैं हमारे पास, देसी गाय हैं, उनका जो प्रोडक्शन है बहुत ही कम है। ठीक है, तो जैसे अपनी देसी गाय है, कोई 1 लीटर दूध दे रही है, 2 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीटर से ज़्यादा देसी गाय दूध नहीं देती हैं लगभग। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान करने से क्या होता है, अच्छी नस्ल का जब सीमन डालेंगे मादा पशु में, देसी मादा पशु में अच्छी नस्ल का जब सीमन डालेंगे, तो उसी का प्रोडक्शन जो है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीटर दूध दे रही थी, वो 5 से लेकर 10 लीटर तक दूध दे सकती है। ठीक है, और भी ज़्यादा हो सकता है, वो ब्रीड पर डिपेंड करता है। तो एक हम नॉर्मल बता रहे हैं कि 5 से 10 लीटर के समथिंग के दूध दे सकती है जो नस्ल कृत्रिम गर्भाधान से, अच्छे मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो नस्ल का अपन चुनाव करते हैं उस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सबसे पहला तो लाभ है यही है कि प्रोडक्शन अपना बढ़ गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये है कि जो छोटे पशुपालक हैं, जिनके पास 1 या 2 गाय भैंस हैं, तो उनको वुल रखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनका क्या होता है कि खर्च कम हो जाता है। अब 1-2 पशु रखे हैं और इसके अलावा उन्होंने एक बुल रख लिया, तो उसको भी दाना चारा चाहिए और उससे प्रॉफिट उससे होना नहीं है, केवल गर्भाधान केवल करवा सकते हैं। और इसके पहले तो ये होता था कि बुल को खेती में यूज करते थे, लेकिन मशीनीकरण अभी चल रहा है, मशीनों के माध्यम से ट्रैक्टर ये सब चल रहा है, तो उससे अभी बुल का जो खेती में जो योगदान है वो धीरे धीरे कम होता गया, अब जो है ना के बराबर इनका योगदान हो रहा है। तब केवल एक ही इनका जो गर्भाधान वाला बचा है, तो वो रखने में इनको काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है, काफ़ी इससे आर्थिक हानि इनको होती है। तो लाभ यही हो जाता है कि इनको बुल रखने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये होता है कि एक ही बुल से बहुत सारी गायों को गर्भित कर सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, कि जैसे एक बार में प्राकृतिक रूप से यदि गर्भाधान करता है बुल, तो एक बार में केवल एक ही गाय को गर्भित कर सकता है। लेकिन
यदि उसी बुल का एक बार के सीमन की का कृत्रिम गर्भाधान की बात करें तो 40 से 50 गाय एक बार में गर्भित कर सकते हैं एक बार के सीमन से, ठीक है। और इस प्रकार यदि साल ईयर की बात करें कि 1 ईयर में एक बुल लगभग प्राकृतिक रूप से 100 से 150 गायों को गर्भित कर सकता है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उसी एक बुल का एक साल में कई हजारों की संख्या में गर्भाधान कर सकता है कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं लाभदायक पहुंचाता है। और भी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे लाभ हो जाते हैं कि जैसे बुल काफ़ी दूर है, छोटा पशुपालक है, उसको कहीं बहुत दूर जाना पड़ रहा है बुल के लिए अपनी गाय भैंस को लेकर, तो ये सेवा जो कृत्रिम गर्भाधान की है द्वार पर ही उपलब्ध हो जाती है। तो और ये जो हिमीकृत वीर होता है इसको उसमें लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है सीमन को, तो ये कहीं भी ले जा सकते हैं, एक जगह से काफ़ी दूर जैसे अच्छी नस्ल का सीमन उपलब्ध है तो वहाँ से ले जाके आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं और वहाँ पर गर्भाधान करके अच्छी नस्ल उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेवा 24 घंटे अवेलेबल रहती है, जब भी आप की गाय हीट में हो तो तभी जो इंसिमिनेटर है उसको आप बुला सकते हैं, वो आपके घर आके कृत्रिम गर्भाधान कर सकता है। तो 24 घंटे इसमें कभी भी कृत्रिम गर्भाधान हो सकता है। यदि बुल की डायरेक्ट बुल से यदि आप करवाएंगे तो फिर आपको बुल के पास ले जाना पड़ेगा तो उसमें समय लगेगा, तो इसमें ये एक प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और जो जैसे आपने कृत्रिम गर्भाधान करवाया तो उसका आप अभिलेख भी रख सकते हैं कि आपने इस डेट को गर्भाधान करवाया था और अब आपकी जो है गाय कब बच्चा देगी उससे ये पता अपना अभिलेख रजिस्टर एक बना सकते हैं कि इस टाइम पे अब बच्चा देगी, फिर अब हमको कब कृत्रिम गर्भाधान करवाना है। तो ये सब कृत्रिम गर्भाधान से हो, बाकी प्राकृतिक गर्भाधान से आपने गाय को छोड़ दिया है बाहर तो कब उसका गर्भाधान हो रहा है बुल के माध्यम से बाहर आपको जानकारी नहीं चलती, आप केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि गर्भ हुई है कि नहीं है, चेकअप करवाते हैं, काफ़ी उसमें दिक्कतें हो जाती हैं। इसमें आप अपना कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं तो तुरंत इसमें नोट कर सकते हैं, तो ये रजिस्टर एक अभिलेख रख सकते हैं। और दूसरा इसमें ये हो जाता है कि संतति का परीक्षण आप कर सकते हैं, जैसे आपकी इसके बाद जो आप मादा को गर्भित करवाया कृत्रिम गर्भाधान से तो उससे जो संतति उत्पन्न हुई है उसका प्रोडक्शन किया है, फिर इसके बाद उससे जो उत्पन्न हुई है उसका प्रोडक्शन किया है, इसके आप संतति का उसके परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। एक और इसमें लाभ होता है कि आपकी गाय कहीं चोटिल हो गई है या फिर पैरों में कोई समस्या हो गई है जिससे प्राकृतिक गर्भाधान संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ये कृत्रिम गर्भाधान अपना सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे या बुल बुल की ये बात कर लें कि बुल कृत्रिम प्राकृतिक गर्भाधान करने लायक नहीं है या फिर पैर में उसके आगे के पैर में या पीछे के पैर में कोई चोट है या लंगड़ापन है तो उसको यदि और अच्छी नस्ल का है तो फिर उसका कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि बुल बड़ा है मादा छोटी है या बुल छोटा है मादा बड़ी है और अच्छी नस्ल का बुल है तो नेचुरल प्राकृतिक उसका इंसेमिनेशन संभव नहीं है तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं, तो ये भी एक नया एक लाभ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको जानकारी दी है कृत्रिम गर्भाधान से क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये टॉपिक अपना ये कृत्रिम गर्भाधान में समाप्त होता है। और जिस जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल वो सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे को शेयर करें जिससे ये जानकारी उन तक पहुँचे, ठीक है। और इससे ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें जानकारी ये दी गई है, ठीक है। धन्यवाद।